Request our CEO, Mr. Tarun Katyal sir, to please welcome Mrs. Amrita Fadnavis. सर मैं चाहूंगा कि आप दो शब्द कहें बीस सेंटा के बारे में मैम से पहले सामने और उनके इतने सोशल वर्क के सामने मुझे रैली कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी बिग एफएम बहुत सालों से 12 साल से एक ही बेसलाइन पे काम कर रहा है वो है सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ हमारा यही एक एंडेवर रहता है कि हम जो भी करें उससे जो हमारे सुनने वाले हैं हमारे श्रोता हैं उनकी जिंदगी में कुछ एक अंतर ला पाए और जिस सोसाइटी में हम सब काम करते हैं उसको एक प्रोग्रेस दे पाए उसका एक माइंड सेट शिफ्ट कर पाए बी सेंटा भी एक वैसा ही इनिशिएटिव है इस संडे हम आप देखेंगे जो ह्यूमन राइट्स डे पे हमने एक और खाली नो खाली पेट एक वैसा ही इनिशिएटिव किया है और हम हर महीने सोचते हैं कि एक नया इनिशिएटिव करें जिससे जिस सोसाइटी जिस लिसनर बेस पे हम के साथ काम करते हैं उनके लिए हम कुछ कर पाए और ये जो हमारा मोटो है सुनो सुनो लाइफ बनाओ वो उसको आगे बढ़ाते जाए एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर एंड रियली बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस एंड द मोमेंटम ऑफ थिंग्स लाइक दिस दैट वी डू थैंक यू सो मच अगेन And now I would request Mrs. Amrita Fadnavis ji बताएं कि आप जब इस कैंपेन के बारे में आपने सुना और जब आपने कहा कि हाँ मैं भी इसके साथ जुड़ूंगी तो क्या विचार आपके हैं हमें बताएं सर प्लीज सबको मेरा नमस्कार हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तरुण सर एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ 92.7 बिग एफएम और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आपका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है योर व्यूअरशिप इज ग्रेट और उसके अलावा योर सोशल इनिशिएटिव जो आपको सामाजिक जो एक सोच है आपकी समाज में कुछ बदलाव लाने की खुशियाँ लाने की ये बहुत सराहनीय बात है एंड प्लीज कीप इट अप और जब मैंने इस इनिशिएटिव के बारे में सुना बीइंग सेंटा So I felt very happy about it in the sense during festive seasons hum sab enjoy karte hain aap hum but no one thinks of out of their four walls or away from their friends there's a world jo hamari taraf dekhta hai jinko hamari zarurat hai choti choti khushiyon ke liye so that is very nice that you have recognized this need in our society or the neediest of people you have approached you have reached and you have made their lives happier तो खुश रहो खुश करो और लाइफ बनाओ दैट दैट इज योर सेकंड मोटो आई फील एंड इट इज ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच और इसी मौके पर वी हैव अ केक जो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर लाए एंड इफ तरुण सर कैन आल्सो जॉइन अस और एंजल एक्सप्रेस से जो बच्चे आए हुए हैं वो भी अगर ज्वाइन इन कर लें सो दैट वी कैन हैव दिस केक कटिंग यहां पर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं मैम कि आप इस इनिशिएटिव के लिए समय निकालकर हमारे साथ जुड़ी हैं एंड आई थिंक कि पिछली बार जितना कामयाब और सक्सेसफुल बी सेंटर रहा था उसे कई गुना ज्यादा इस बार धन्यवाद आई एम श्योर सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड गिव एनीथिंग यू कैन गिव बिकॉज़ इट इज रीचिंग द राइट करेक्ट लोगों को तक पहुंच रहे थ्रू द ग्रेट नेटवर्क 61 सिटीज में जो है Big FM का network, please make use of that for yourself, for your own happiness and happiness of these sweet children. Thank you so much. All right, sir is around? अच्छा, sir left तो मैं चाहूँगा कि ये एक केक कटिंग हो जाए इस मौके पर. हाँ, आप कुछ बच्चे यहाँ आ जाइए. Some of you can come here. आप सब हाँ यहाँ आ जाइए, all of you all, आइए. All right. माइक मैं ले लेता हूं और आपके हाथों से केक कटिंग हो जाए भाई साहब फील फील तुझे टोपी है तेरे आ जा टोपी का मोबाइल चलिए अब बच्चे थोड़ा सा स्टेप डाउन कर लीजिए नीचे और मैं एक एक करके आपको बुलाऊंगा और जब हमने बी सेंटा की बात की है तो शुरुआत आपसे ही करते हैं आपके ही हाथों से इन बच्चों को कुछ गिफ्ट्स हैं जो हम चाहेंगे कि आप दें और शुरुआत हम ही से हो
तो आइए गिफ्ट यहाँ पर ले आए आप और एक एक करके आप आ जाइए, एक एक करके बच्चों को वहां से भेज दीजिए। ऑलराइट, अच्छा मैम इसी एक्टिविटी के लिए हमने कुछ रेडियो के जरिए जब लोगों तक पहुंचना होता है तो कुछ क्रिएटिवली हम भी बनाते हैं, तो हमने ऐसे ही कुछ प्रोमोस बनाए हुए हैं जो अब हम प्ले करना चाहेंगे, आपको भी सुनाना चाहेंगे। कैन बी रन द प्रोमोस प्लीज। So there's one more version. और साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा कि 927 Big FM ये हमारा फेसबुक पेज है जहां पर आप जा सकते हैं, milap.org के साथ हमारे पार्टनर हैं वो, और वहां पर आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे कि किस तरह से बी सेंटा जब हम कहते हैं तो आप भी सेंटा बन सकते हैं इस बार क्रिसमस में। 92.7 सर चलान मत बनाओ ना सर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आपकी ऊपर वाली जेब में डाल देता हूँ ना सर। पर आप कौन? मी सांता क्लॉज कर। अरे बाबा तुझाकडे एक्स्ट्रा पैसा है द क्रिसमस पे जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का, उनको टॉयज डोनेट करके। पर सांता क्लॉज का कैसे? अरे सुपर है, रेडियो है ना 92.7 बिग एफएम सुनने का, मालूम पड़ जाएगा क्या है? जी सांता, आईल बी सांता। पसंद आया? अगर आपको तो जरा तालियों की आवाज भी सुना दीजिए। चलिए एंजल एक्सप्रेस से हमारे छोटे छोटे एंजल्स तैयार हैं यहाँ पर, तो मैम आपके हाथों से ये उपहार उनके लिए गिफ्ट। मेरी क्रिसमस इन एडवांस। खड़ी 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 टेबल पे, अरे इन टेबल पे रखेंगे ना भाई। हाँ टेबल लावे, कैमरा आगे लो। कैमरा क्यों आगे ले रहे हैं? मैम आपका शेड्यूल काफी व्यस्त रहता होगा, लेकिन कभी कोई गाना, क्योंकि हम एक रेडियो स्टेशन पर हैं इस वक्त 92.7 पर हैं, कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद आता है, आपको लगता है कि बिग एफएम पर सुनने मिले तो अच्छा लगता है? मैं बी सेंटा से हटके थोड़ा सा सवाल पूछ रहा हूँ, जो गाने हम सुनाते हैं ऐसा कोई गाना जो आपको पसंद आता है बेहद? चलिए बहुत खूब, थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला है बी सांता के लिए, और उम्मीद करते हैं कि पिछले साल की तरह ही इस साल और उससे बढ़कर हम इस इनिशिएटिव को आगे लेकर जाएंगे। 92.7 बिग एफएम की टीम की तरफ से आपको मैं धन्यवाद देता हूं, थैंक यू सो मच।
आपके सवाल क्वेश्चंस के लिए के नाउ बाइट ही कर देना बाइट हां बाइट बाइट डायरेक्ट हां हां कॉमन कर है कि बोले बहुत ही अच्छा खूबसूरत नॉवेल इनिशिएटिव है जहाँ हम लोग फेस्टिव सीज़न में आने वाले क्रिसमस में खुद तो खुशियों मनाएंगे, खुद स्वीट्स खाएंगे, खुद नए नए खिलौने या नए गिफ्ट्स लेंगे और हमारे क्लोज वंस को देंगे, बट साथ ही एक हमारे में एम्पथी रहेगी कि हम लोग जो बच्चे जिनको ये सब मिलता भी नहीं है कभी, तो ये उस खुशी के दिन उनके साथ बाँटेंगे या उनके उनको देंगे. एंड दैट थ्रू 92.7 बिग FM जो एक बहुत ही उम्दा रेडियो स्टेशन है जिसकी काफ़ी ब्रांचेज है 61 इनके शहरों में, इनका लोग सुनते हैं, इनकी व्यूअरशिप अच्छी है, तो यहाँ से अगर लोग कलेक्ट करके इन्हें दे तो करेक्ट हाथों में नीडी बच्चों के पास ये गिफ्ट्स पहुँचेंगे. तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव और कभी भी बांटने से खुशियाँ बढ़ती है, तो इस फेस्टिव सीज़न वी शुड हैव हैप्पीनेस और स्प्रेड हैप्पीनेस एज मच एज वी कैन. प्लान्स बस एंजॉयिंग विद फैमिली, ऐसे प्लान से अपने बच्चे के साथ एंजॉय करना है, पेरेंट्स के साथ एंजॉय करना है और ऐसे ही इन बच्चों के साथ भी एंजॉय करने के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज दैट विल इंक्रीज द हैप्पीनेस मैनी फोल्ड. टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड बच्चे, गाना भी गा रहे थे, डांस कर रहे थे, तो दे आर वेरी टैलेंटेड और उनको सिर्फ एक्सपोजर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो हम सब मिलके उनको दे सकते हैं. आई वुड से यू आर रॉक स्टार्स, यू आर नथिंग लेस देन हीरोज, यू आर रियल लाइफ हीरोज एंड कीप अप योर स्पिरिट, अपना स्पिरिट हाई रखिए, हरदम लड़ते रहिए और कोशिश करते रहिए, आप यू विल रीच द स्काई वन डे. फ्यू सॉन्ग्स आई हैव संग, तो देर इज मिक्स टेप इन मिक्स टेप टी सीरीज पंजाबी, देन देर आर वन और टू मूवीज ऑन स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट इन चाइल्ड एजुकेशन जो मोदी जी प्रमोट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर दो मूवीज़ है, उसमें गाने गाए हैं, तो ऐसा है और एक सस्पेंस थ्रिलर में गाए हैं. अभी आई शुड से बी सैंटा इज माई फेवरेट एंड द रेट्रो, there is a retro program also, Dilip show. आपके favorite song कौन सा है, like कोई भी favorite? मुझे बहुत singers तो मुझे बहुत से अच्छे लगते हैं. favorite song I like romantic songs, तो मैंने अभी बताया तुम ही हो I like, and songs of आशिकी 2, then songs of few songs of many songs are good. Yeah. Political involvement काफी बढ़ गया पॉलिटिक्स में, बनारसी भी काफी दबाव है. Let's keep it to Bisa Anta, please. Only Bisa Anta. Is it related to Bisa Anta? Yeah. So would you like to share something? I mean, political involvement काफी हो गया बॉलीवुड में, बनारसी भी काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी. संजय लीला भंसाली पे अटैक हुआ था. Like Deepika, threats are right. Sir, that's why. So and you are. Do you think this kind of threat is the right thing? See, you know the people have been taken to task who have done this and will be taken into judicial lines. But mera, pardon? But mujhe mera ye kehna hai, this is a separate issue altogether. And it regarding this issue, I would just say that there are solutions, proper solutions. If there are people who are objecting, they can go to courts. And if I believe ki storylines should be away from culture, religion, all these influences. But अगर आप कोई चीज़ पकड़ के, कोई historic story या अपना culture पकड़ के कोई story बना रहे, तो you should respect that culture, which definitely I think so they have done.
and if they haven't, that should be challenged in court. So comment karke usme koi fayda nahi. Thank you. Thank you so much. Thanks.